मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी आसमान छू रही छू चुकी है और सरकार है कि सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर रही है। सरकार ने अपने चुनावी लाभ के लिए पहले तो अतिरिक्त आर्थिक बोझ प्रदेश पर बढ़ाया और अब प्रदेश में आर्थिक संकट गहरा रहा है, तो बेरोजगारी के हितों का दमन करते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाकर युवाओं के साथ छल कर रही है। भूरिया ने कहा, सरकार ने प्रदेश की जनता को पूरी तरह छला है। प्रदेश के युवाओं के हितों को देखते हुए युवा कांग्रेस 13 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बेबी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य सभी शीर्ष नेता शामिल रहेंगे। प्रदेश भर के युवाओं से बड़ी संख्या में इस घेराव में जुड़ने का आह्वान किया गया। बहुत बड़ी तरीके से बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया भ्रष्टाचार हो गया, और आज जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाली सरकार को भी जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं आपको भी सुनाता हूँ क्योंकि वो सुनना चाहिए आपको, क्योंकि क्या है वो एक पीड़ा थी हमारे साथियों की। वो ये बात थी, मैंने अपनी बात ये रखी थी विधानसभा में कि बेरोजगारी की क्या गति है मध्य प्रदेश में, जा रही है नौकरी की प्रक्रिया में अब तक सुधार चाहिए, बेरोजगार के साथ उन्हें रोजगार चाहिए, और यही बात हमने वहां रखी। और बात यह है कि ये पीड़ा कहीं ना कहीं वह बेरोजगार थी जो पूरी ताकत से हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और 13 तारीख को जल्दी प्रदर्शन करेंगे ताकि बेरोजगार के साथ उन्हें रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं प्रदेश में की सड़कों पर, दुनिया बदल जाएंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। कैसे मिले नौकरी जब नौकरी भी दी जा रही है, नौकरी की प्रक्रिया में अब तक सुधार चाहिए, बेरोजगार के साथ।